गांधी परिवार को ईडी का नोटिस जारी करने के बाद कांग्रेस की ओर से देशव्यापी आंदोलन किया गया। नागपुर में ईडी कार्यालय के सामने जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के नेतृत्व में जमकर आंदोलन किया गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को नोटिस देने के बाद कांग्रेस ने आज नागपुर में ईडी कार्यालय के सामने आंदोलन किया। 3 घंटे तक चले आंदोलन के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता अचानक ईडी कार्यालय पहुंचे। पुलिस बैरिकेड्स को हटाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय मुख्य द्वार में घुसने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भी भिड़ गए, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस अवसर पर बोलते हुए जिला पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने कहा कि इस समय देश में हिटलरवाद चल रहा है। हिटलर को अपने अहंकार में आखिर आत्महत्या करनी पड़ी थी। हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। आज देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। ये तो बस ट्रेलर है और पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ऐसी चेतावनी भी राउत द्वारा केंद्र सरकार को दी गई। साथ ही राउत बोले, ये सन्नाटा तूफान से पहले का सन्नाटा है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अगर आक्रामक तरीके से सड़कों पर उतरे होते तो देश में आग लग जाती। हालांकि कांग्रेस ने संयम बरता है ताकि देश सुचारू रूप से चले और देश के नागरिकों को परेशानी ना हो, ऐसा भी राउत ने अपने भाषण के दौरान कहा है। हिटलर से कई फारसी का टिकणार नाही। हिटलर ने सुद्धा या देशामध्ये अशाच प्रकारची वागणूक केली आणि शेवटी त्याला आत्महत्या करावं लागली। असं होऊ नये की या देशामध्ये ज्या पद्धतीनं एकेकाळी आमच्या दिवंगत नेत्या श्रीमती इंदिरा गांधी यांना अरेस्ट करण्याचा प्रयत्न झाला होता आणि काय घडलं देशामध्ये, देशाची समस्त कायदा व सुव्यवस्था ढासळून पडली। आज फक्त या ठिकाणी ती अव्यवस्था जी कायद्याची आहे ती ढासळून पडलेली दिसत नाही, तर सगळ्या संपूर्ण देशामध्ये काँग्रेसचे कार्यकर्ते आज सडकेवर आलेले आहेत। खऱ्या अर्थाने ही एक प्रकारची आज फेलर आहे, ह्या एक फेलर आहे, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था। आंदोलन के दौरान मदद व पुनर्वसन मंत्री विजय वट्टेटीवार, कांग्रेस के विधायक विकास ठाकरे, प्रतिभा धानोरकर, विधायक अभिजीत वंजारी, शिवाजी राव मोघे, युवा कांग्रेस के कुणाल राउत सहित कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मदद एवं पुनर्वास मंत्री विजय वट्टेटीवार ने कहा कि जब भी गांधी परिवार को छूने की कोशिश की गई तब वह राजनीति से बाहर हुए हैं। ये देश का इतिहास है। नेता राहुल जी को नोटिस देकर अगर ये भाजपा ही चाहते हैं कि आवाज कांग्रेस का दबाया जाए, कांग्रेस को डराया जाए, हमारे राहुल जी डरने वाले नहीं ना कांग्रेस ही डरने वाले हैं। जब तक इनको सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे हम शांति से चैन से हम बैठेंगे नहीं। हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस द्वारा जो है भाजपा का विरोध करते हुए ईडी के कार्यालय के सामने जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी बड़े नेता जो कांग्रेस के यहाँ शामिल है, विजय वट्टेटीवार हो, जिले के पालक मंत्री और राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत हो, विधायक विकास ठाकरे, सभी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है। अब देख पा रहे हो कि यहाँ पे सभी बड़े नेताओं के साथ एक सभा का आयोजन किया गया था, विरोध प्रदर्शन यहाँ किया गया, जिसके बाद जो है विरोध करते हुए यहाँ ईडी कार्यालय के सामने हमें कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और ये विरोध जो है पूरे देश भर में चल रहा है। हम देख पा रहे हैं कि सभी कांग्रेस के बड़े नेता, नागपुर जिले के पालक मंत्री हो, विजय वट्टेटीवार हो, मदद व पुनर्वसन मंत्री विधायक विकास ठाकरे हो, सभी बड़े नेता इस आंदोलन में, इस विरोध प्रदर्शन में हमें शामिल हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है देख पा रहे हो कि कितने ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ता जो ये हैं यहाँ पे एकजुट होकर जो है ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस ने ईडी कार्यालय के मुख्य द्वार से प्रवेश करने के लिए गए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के साथ मंत्री विजय वट्टेटीवार, विधायक विकास ठाकरे, विधायक अभिजीत वंजारी, प्रतिभा धानोरकर सहित पूर्व मंत्री बसंतपुर के और शिवाजी राव मोघे, इन नेताओं समेत करीब सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। खरतर गट्टबाजी हे म्हणण्यापेक्षा सर्व प्रामाणिकपणे काँग्रेसचे कार्यकर्ते आज एकनिष्ठ होऊन या आंदोलनाला
आंदोलन फक्त आंदोलन करण्यासाठीच नाही तर याचे खूप मोठा याचा वातावरण या वातावरण तुफानामध्ये परिवर्तन होऊन लवकरात लवकर सर्वसामान्य गाव खेडेपाड्यापर्यंत ग्रामीण भागापर्यंत हे लवकरात लवकर याची चिंगारी पोहोचेल आणि सर्व प्रामाणिक कार्यकर्ते काँग्रेस पक्षाचे एकनिष्ठ होऊन जो अन्याय काँग्रेसवर होत आहे तो अन्यायाला दूर करण्याचा प्रयत्न करेल। जिस तरह से हमने देखा कि बड़ी संख्या में आज आंदोलन किया गया है ये इसी तरह चालू रहेगा या कहीं इसमें मतलब ये हो सकता है जो पर्यंत ईडी किंवा केंद्र सरकार हे काँग्रेसच्या जे आदरणीय राहुल गांधी यांना जोपर्यंत सही सलामत त्यांच्या घरी जोपर्यंत जाणार नाही तोपर्यंत हे आंदोलन अशाच प्रकारे सुरू राहील। तो जैसे कि हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा ईडी कार्यालय के सामने किया गया है। रश्मि बर्वे जी हमारे साथ ही जिला परिषद अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि जब तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सही सलामत घर तक नहीं पहुंचाया जाता तब तक कांग्रेस द्वारा यह आंदोलन शुरू रहेगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।